धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सभी को तीज महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और ग्रामीण क्षेत्र में आकर के इस माहौल में इस त्यौहार को मनाने का मजा ही कुछ और है। सबसे पहले मंच पर आसीन सभी आदरणीय ब्लॉक समिति चेयरमैन अजय गावड़ जी, सरपंच सीसवाल, हिसार टू ब्लॉक के पंचायत ऑफिसर जगदीश सोनी जी और उपस्थित अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं स्वागत करती हूँ। और सरपंच सीसवाला को बधाई देती हूँ कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम उन्होंने तैयार किया है और बड़ा अच्छा हमें यहाँ करके लगा। बड़े अच्छे कल्चरल प्रोग्राम्स स्कूल के बच्चों ने तैयार किए और इंद्राणी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बड़े ही कम समय में और शॉर्ट नोटिस पर इतने अच्छे प्रोग्राम तैयार किए। गांव सीसवाला की महिलाओं को बधाई, बहुत अच्छे नृत्य उन्होंने हमारे समक्ष आज प्रस्तुत किए, देख के बहुत ही अच्छा लगा कि कितनी प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्र में भी छुपी हुई हैं और कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं और अपने त्योहारों को नए और मॉडर्न तरीकों से मनाने लग गए हैं। तो हमें जो हमारी परंपरा है, हमारे गीत हैं, लोक संगीत हैं, उनसे हमें जरूर जुड़ना चाहिए और उनको हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ये त्यौहार हमें यही सिखाते हैं कि कैसे हम हमारी आने वाली पीढ़ी को इस बारे में बताएं कि पारंपरिक तरीके से हरियाणा प्रदेश में किस तरह से त्यौहार मनाते रहे हैं हम और किस तरह से मनाने चाहिए, क्या हमारे लोकगीत हैं, क्या संगीत हैं, किस तरह के लोक नृत्य हमारे प्रदेश में किए जाते थे। पुराने समय में हम अपने बड़ों से सुनते थे कि किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में रात को दो दो बजे तक महिलाएं नृत्य करती थी, हमने सुना है लेकिन हमने ऐसा माहौल देखा नहीं, सिर्फ सुना है। और हर रोज शाम को बैठ करके भगवान के भजन करना, गीत करना, गीत गाना, ये एक हमारी परंपरा का हिस्सा था और एक डेली रूटीन का भी पार्ट था। लेकिन आज कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तो आते तो लोगों को हैं लेकिन सामूहिक तौर पर लोग कम करते हैं। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि ये जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, इसे ना भूलें और जो नई जनरेशन है उसे भी सिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो नए बच्चे हैं वो भी ये सब सीख सकें। अगर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो छोटे बच्चों में या नई जो पीढ़ी है उसे अपनी संस्कृति नहीं सिखाएंगे यदि, तो ये संस्कृति हमारे लुप्त हो जाएगी और ये उस जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ ही खत्म हो जाएंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है हमारी लोक संस्कृति के बारे में जानने में। मैं इवन जब भी अपने गांव हम जाते हैं, जब भी घर जाते हैं, तो मैं तो क्लास लेती हूँ इस चीज़ की। मैं चार पांच महिलाओं को शाम को बुलाती हूँ जो मुझे गीत सिखाएं। मेरे को काफ़ी तो आ गए हैं, अब धीरे धीरे मैं वो सीखती हूँ कि नहीं, अगर हम लोग नहीं सीखेंगे तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और हम सीख लेंगे तो हम आगे भी सिखाएंगे। और ये इसी तरह से आप जो बड़े बुजुर्ग आज मेरे सामने बैठे हैं उनको ये गीत इसलिए आते हैं क्योंकि उनके बड़े बुजुर्गों ने सिखाया, लेकिन अब छोटे बच्चे नहीं सीखते। तो इसलिए ये त्योहारों को मनाने का मतलब या हरियाणा सरकार द्वारा जो पहल की गई है कि तीज महोत्सव मनाया जाए, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि कैसे हम अपनी भारतीय संस्कृति को बचाएं। हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, हम अपनी परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, कैसे नई पीढ़ी को इस बारे में सिखाएं कि त्योहारों की क्या महत्ता है, त्योहार हमारे लिए क्या महत्व रखते हैं, हमारे जीवन में उनका क्या मूल्य है। तो यही संदेश इसका है और इसको मैं समझूं कि आप सभी जो है अपनाएंगे तो भी अपनी संस्कृति के बारे में संदेश देंगे, उनको ये लोकगीत लोक नृत्य सिखाएंगे। कल हम आज की मॉडर्निटी पे और मॉडर्न गानों पे ही नाचते रह जाएं और जो पुरानी संस्कृति है वो धूमिल हो जाए।
रिपन सिंहवाला का इतना सुंदर कार्यक्रम, इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ और बहुत ही अच्छे तरीके से जो क्रियान्वयन आज के कार्यक्रम का उन्होंने किया है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। गांव सिंहवाला के सभी ग्रामीण वासियों का मैं धन्यवाद करती हूँ और मुझे इस गांव में आके बहुत अच्छा लगा और आगे भी निरंतर जब भी कभी मुझे मौका मिलेगा मैं आपके गाँव में ज़रूर आऊँगी। और बड़े ही प्रतिभाशाली लोग हैं सिंहवाला के जो यहाँ वास करते हैं और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ तीज महोत्सव की इस तैयारी को, इस महोत्सव को आपके साथ साझा करना मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।